नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। आज हम सीखेंगे इनकम टैक्स के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है सरचार्ज। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है सरचार्ज, और इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए मैंने एक शॉर्ट नोट तैयार किया है सरचार्ज के बारे में, तो चलिए दोस्तों समय को यूज़ करते हैं, टाइम को यूज़ करते हुए सरचार्ज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सरचार्ज है क्या। देखिए सरचार्ज जो है एक इनकम टैक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और सरचार्ज का मतलब हो गया टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। यानी कि ऐसे कई सारे सेक्टर्स में, ऐसे कई सारे सेक्शंस हैं इंडिया में, ऐसे कई सारे पीपल्स हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, इनका जिनके पास इनकम का सोर्स बहुत ज़्यादा है, चाहे जितने भी टैक्स लगा लूँ उनकी इनकम ज़्यादा ही ज़्यादा है। जैसे कि मुकेश अंबानीज हो गए, बहुत बड़े डीलर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, तो उनके पास बहुत ज़्यादा इनकम्स होती है, तो उनके ऊपर टैक्स भी उतना ज़्यादा कलेक्शन करना है। ड्यू टू इन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे इंडिया में पता होगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल नहीं है। कई लोगों के पास ज़्यादा पैसा, कई लोगों के पास कम इनकम है, तो उस इनकम को इक्वलाइजेशन कर लिए करने के लिए सरचार्ज लगाया जाता है दोस्तों। तो सरचार्ज क्या है, एक क्या है एडिशन टैक्सेस है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे आप कहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में लगाती है मिल करके, और डिपेंड करता है एक्ट के अकॉर्डिंगली कि कौन सी गवर्नमेंट किस सेक्शंस के अकॉर्डिंगली सरचार्ज लगा रही है। देखिए दो टाइप्स के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और चाहे डायरेक्ट टैक्स ले लो, इनडायरेक्ट टैक्स देख लो, लेकिन कई सारे ऐसे पीपल्स होते हैं चाहे डायरेक्ट लगा लो इनडायरेक्ट लगा लो, उन सब के बावजूद उनकी इनकम पे ज़्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता। और कई सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, जिनकी इनकम के ऊपर 7 प्रकार के पर्सन हैं, 7 टाइप्स ऑफ पर्सन हैं जिनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो जैसे हम लोग हो गए, चाहे कोई HUF हो गया जैसे हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो गए, या कंपनी या कोई फर्म हो गया। वैसे तो ये 5-6 हैं, लेकिन 7 टाइप्स के पर्सन्स होते हैं दोस्तों। तो इन सभी पर्सन्स के ऊपर जो है सरचार्ज लगता है, और क्या उसकी कहते हैं रेंज है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए सरचार्ज मैंने बताया आपको कि एक एडिशनल टैक्स है जिसे पेबल ओवर, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जिसे पे करना कंपलसरी है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, जिसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है अकॉर्डिंग टू द जो आर्टिकल है 271 कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्ट है इसके तहत लगाया जाता है दोस्तों। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, देखिए सरचार्ज जो है किसी इंडिविजुअल पे तभी लगेगा जब उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, यानी कि जिसकी इनकम किसी भी इंडिविजुअल HUF की इनकम 50 लाख से ऊपर होगी तो उसे उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। सिमिलरली अगर बात की जाए किसी कंपनी की टोटल इनकम अगर 50 लाख से ऊपर होती तो उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, लेकिन 7 टाइप्स की पीपल्स हैं तो उनके ऊपर कैसे क्या कैटेगरी है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ जो ये जो है असेसमेंट ईयर जो है 1920 का है, ये इंडिविजुअल HUF AOP BOI और आर्टिकल जुडिशियर पर्सन जो भी हैं अगर उनकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है और 1 करोड़ के नीचे होती है, यानी 50 लाख से ज़्यादा 1 लाख से 1 करोड़ से नीचे, तो उनको क्या है अपनी इनकम का 10% एज ए सरचार्ज पे करना नेसेसरी है। ऐसा नहीं दोस्तों टैक्स पे करना है खाली, उनके पास उन्हें मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगी। देखिए टोटल इनकम अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती है तो उन्हें 15% देना है, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर कितना देना है 15%। अगर कोई फर्म हो गई और कोई LLP हो गई या फिर लोकल कोई अथॉरिटी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी कोई भी, चाहे कोई NGO हो जाए, तो अगर ऐसा कोई होता है तो उसकी अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती है तो उसे कितना परसेंट 12% देना है। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग टैक्सेशन सिस्टम है। अगर कोई कोई डोमेस्टिक कंपनी है, कोई इंडिया की कोई डोमेस्टिक कंपनी है, उसकी जो इनकम है उसकी जो टर्नओवर है 1 करोड़ से ऊपर जाती है लेकिन 10 करोड़ के अंदर होती है तो उसे 7% सरचार्ज देना है, लेकिन अगर उसकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर होती है तो उसे 12% देना है। ठीक है ना दोस्तों। अगर कोई फॉरेनर कंपनी है, इसके ऊपर आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर कोई फॉरेनर कंपनी है उसकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती है और 10 करोड़ से अंदर होती है तो उसे 2% अपना सरचार्ज देना है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पेक्टिवली। देखिए अगर कोई टोटल इनकम, अगर किसी फॉरेनर कंपनी की टोटल इनकम 10 करोड़ से ऊपर होती है तो उसे 5% देना है। तो ये सारे रेट से जो मैंने बताया आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनी जो फाउंडर्स कंपनी आती है, यानी कि चाहे कोई फाउंडर कंपनी हो चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो दोनों को सरचार्ज देना पड़ता है, और सरचार्ज जो है एडिशन ऑफ टैक्सेस है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लगा सकता है, 1% लगाएगा।
डिपेंड करता है आर्टिकल के ऊपर, डिपेंड करता है कहते हैं कंट्री की गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी के ऊपर कि कैसे क्या वो काम करती है. थैंक्स, आई होप यू अंडरस्टैंड.